तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए धमाकेदार वीडियो में। आज की इस वीडियो में त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9वीं विषय गणित सेट ए का पेपर बताऊंगा। पूर्णांक जो रहेगा वो 75 का रहेगा, समय 3 घंटे, और यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं कितने अंक के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप पूरा का पूरा पेपर देख सकते हैं जो कि एकदम रियल है। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में वीडियो को लाइक करना। तो चलते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन करना है। फर्स्ट का फर्स्ट है, एक प्रमेय तथा एक अप्रमेय संख्या का योगफल या अंतर सदैव एक संख्या होगी तो अप्रमेय संख्या होगी। निम्न में से कौन अप्रमेय संख्या, तो अप्रमेय संख्या जो है वो 0.230 ये 12 नंबर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य बहुपद की घात है, तो शून्य बहुपद की घात 0 होगी क्योंकि शून्य बहुपद की घात 0 होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपद 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x की घात है, तो 3 हो जाएगा क्योंकि ज़्यादातर जो समीकरण दिया होता है जिसकी सबसे ज़्यादा घात होती है उसी घात को लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु -2 -3 की किस चतुर्थांश में स्थित होता है, तो तृतीय चतुर्थांश में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग को समीकरण दिया गया है 2x + 3y = k में यदि x = 2y = 1 तो k का मान होगा, तो k का मान आप लोग निकाल लीजिएगा। मैंने निकाल लिया, आंसर 7 आएगा। तो 2x, x की जगह आपको रख देना है 2 + 3, y की जगह 1 = k, तो 3 2 तो आपका 2 2 4 हो जाएगा, प्लस 3 4 3 7 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अप्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है, तो एक अप्रमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार अनावसरी आवर्ती। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 और 3 के बीच एक अप्रमेय संख्या है, आप लोग यहाँ पर इसके आंसर देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहा जाता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भाग प्लस प्लस शेषफल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो 0 0 हो सकते हैं। चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख क्या होगा, क्या होता है, तो सरल आरेख होता है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, सही विकल्प का -0.85 + 1.25 को आंसर हो जाएगा 0.40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, -2216/6 का आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा -39। -2 × 3.5 को, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो तीसरे का -7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, -7.5 + 4/5, तो चौथे का जो आंसर हो जाएगा -1 हो जाएगा। नेक्स्ट है 5/4, तो पाँचवें का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1.25। आपका छठवें का जो आंसर होगा 0.24 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना है, एक प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है, तो शांत या असमवर्ती का होता है। रैखिक बहुपद की घात होती है, तो रैखिक बहुपद की घात 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 101 का क्यूब का मान क्या होगा, तो 101 क्यूब का मान जो होगा तो 100 क्यूब के इसका आंसर 3 नंबर का ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स अक्षर बिंदु से निर्देशांक को किस रूप में लिखते हैं, तो 0 0, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। दो चरों वाले रैखिक समीकरण आपको इस प्रकार से लिखना है, ax + bx + c = 0। नेक्स्ट का आंसर हो जाएगा, किसी बिंदु की वाई में से दूरी की भुजा कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य सत्य का चयन करके लिखिए, रैखिक बहुपद की घात 1 होती है, तो सत्य हो जाएगा, बहुपद से 1 से अधिक शून्य नहीं हो सकता, इसका आपको आंसर देख लेना है। तो सत्य सत्य आप लोग कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट मारकर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमेय संख्या क्या है, और अथवा में अप्रमेय संख्या क्या है, 1/7 और 2/7 के बीच में अप्रमेय संख्या लिखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36/100 का दशमलव प्रसार किस प्रकार होगा, तो 36/100 को आपको दशमलव प्रसार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको समय बहुत कम है, क्वेश्चन बता दे रहा हूँ आपका, इसका सोल्यूशन की PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा जो कि अबाउट में जाकर वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो ज्वाइन कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन, 1/√2 को हर परिमेयकरण कीजिए और 1/√7 - 6 को हर परिमेय करना है, तो परिमेयकरण करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप 12वां क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, चतुर्थांश किसे कहते हैं, निर्देशांक अक्ष किसे कहते हैं, आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए 12वां, 13वां, 14वां, 15वां। 15वां क्वेश्चन है, के किस मान पर x = 2 और y = 1 है, तो k का मान आपका 7 हो जाएगा। अभी ऑब्जेक्टिव टाइप में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है और यहाँ पर भी वही क्वेश्चन आ गया।
सुलहमा क्वेश्चन देख लीजिए। सुलहमा क्वेश्चन सीधे गुणा किए बिना 104 छेदने का मान ज्ञात करना है 97 और 103 का मान ज्ञात करना है। बहुत ईजी है, आप लोग कर लीजिएगा। गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड करना 12x² - 7x + 1। आपको गुणनखंड विधि से गुणन कर लेना है। फिर नेक्स्ट है 3 - √5, 5 - √3। तो इसको सरल कीजिए। तो सीधी बात है, आपको जब a + b, a - b का सूत्र लग जाएगा, a² - b² हो जाएगा, तो आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा -5 का स्क्वायर। 3 तरह का 9 होगा, 5 में 25 होगा, तो 9 में से 25 में से 9 चले जाएंगे। आप लोगों को इस सोल्यूशन को कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल तो लेख